ये जानेंगे से के सहरी का असल वक्त क्या है, यानी वो कौन से वक्त हैं जिसमें जिसके अंदर सहरी तनावल करना चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए आईएससी टीवी चैनल को इस्लामिक यूनिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सुबह सहरी के लिए बेदार हो जाने के बाद सुबह सादिक के खूब नुमाया हो जाने तक सहरी का वक्त है और इसके दलाइल हस्ब ज़ेल हैं। नंबर एक, इरशाद बारी ताला है कि वकुलु वशरबु हत्ता यतबयन लकुमुल खैतुल अबयज मिनल खैतिल अस्वद मिनल फजरी, सूरतुल बकरा आयत नंबर 187। तुम खाते पीते रहो यहाँ तक कि सुबह का सफ़ेद धागा यानी सुबह सादिक स्याह धागे यानी रात की स्याह धारी से जाहिर हो जाए। दूसरी दलील है हजरत अली बिन हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि जब ये आयत नाजिल हुई हत्ता यतबयन लकुमुल खैतुल अबयज मिनल खैतिल अस्वद मिनल फजरी हत्ता के तुम्हारे लिए सफ़ेद धागा स्याह धागे से वाजे हो जाए, तो मैंने एक स्याह धागा लिया और एक सफ़ेद और दोनों को तकिए के नीचे रख लिया और रात में देखता रहा, लेकिन मुझ पर उनके रंग वाजे ना हुए। जब सुबह हुई तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा दालिकु सवादुल लैलि व बयाज़ुन नहारी, इन्नमा दालिका सवादुल लैलि व बयाज़ुन नहारी, कि इससे तो रात की तारीकी यानी सुबह काज़िब और दिन की सफ़ेदी यानी सुबह सादिक मुराद है। यह हदीस बुखारी शरीफ के अंदर आई हुई है और हदीस नंबर है 1916। इसी तरीके से मुस्लिम शरीफ में 1090 के अंदर यह हदीस आई हुई है। तीसरी दलील है इस सिलसिले में कि हजरत साल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि ये आयत नाजिल हुई वकुल वशरबु हत्ता तबय्यन लकुमुल खैतुल अबयज मिनल खैतिल अस्वद मिनल फजरी, लेकिन मिनल फजर के बाद मिनल फजर के लफ्ज़ नाजिल नहीं हुए थे। इस पर कुछ लोगों ने यूं किया कि जब रोज़े का इरादा होता तो स्याह और सफ़ेद धागा लेकर पाँव में बांध लेते और जब तक दोनों धागे पूरी तरह दिखाई ना देने लगते खाना पीना बंद नहीं करते थे। इस पर अल्लाह ताला ने मिनल फजर के अल्फाज नाजिल फरमाए, फिर लोगों को मालूम हुआ कि इससे मुराद रात और दिन है। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1917, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 1091। इस सिलसिले में चौथी दलील है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाशुबा हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रात के वक्त अदान देते हैं, लिहाजा तुम हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अदान देने तक खाते पीते रहो, क्योंकि हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये सुबह का अदान देते थे, फजर की अदान दिया करते थे। यह हदीस भी बुखारी शरीफ के अंदर आई हुई है, हदीस नंबर है 622। इसी चौथी दलील के जो एक दूसरी रिवायत में ये अल्फाज हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुछ रात रहे से अदान दे दिया करते थे, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक इब्ने उम्मे मक्तूम अदान ना दें तुम खाते पीते रहो, क्योंकि वो सुबह सादिक के तुलू से पहले अदान नहीं देते। कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया कि दोनों ने बिलाल और उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह अन्हुमा की अदान के दरमियान सिर्फ इतना फासला होता था कि एक चढ़ते तो दूसरे उतरते थे। बुखारी शरीफ के अंदर यह हदीस आई हुई है, हदीस नंबर है 1918-1919। इब्ने हज़्म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रमज़ान हो या गैर रमज़ान, रोज़ा सिर्फ फजर सानी के वाज़ेह तौर पर तुलू होने के साथ ही लाजिम होता है और जब तक ये वाज़ेह ना हो खाना पीना और जमा व हम बिस्तरी वगैरह करना सब जायज़ होता है।
یعنی اس سے معلوم یہ ہوا کہ سحری کا وقت صبح صادق تک کا ہے اور صبح صادق تک سحری کھانا چاہیے۔ امام ابن حزم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ جب دو آدمیوں کو فجر کے متعلق شک ہو جائے کہ آیا طلوع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو انہیں چاہیے کہ وہ دونوں کھاتے رہیں حتیٰ کہ انہیں فجر ثانی طلوع ہونے کا یقین ہو جائے۔ سبسکرائب کیجیے اسلامک ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔